यही एक लहर तूफानी रहेगी, यहाँ जिसकी भी हुक्मरानी रहेगी, है जिन मसलों का हल बेहद जरूरी, हुकूमत उनसे अनजानी रहेगी, और यही रीत है चलती आ रही। खैर अब तो आ रहे हैं वैसे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो खैर ही हो, रंग ही रंग बिखरे हुए हैं यहाँ पे। आज तो माशाल्लाह फुल तैयारी है, आज तो सालगिरह का कस्टर्ड लग रही है। खास मौका है जो आपने आज ये रंग पहना? नहीं, मैंने कहा कुछ आज कुछ अलग होना चाहिए। आज ख्वाब चली तेल में दी है जी। तुम्हारे जेन में ये होगा। पर वैसे आपने भी बड़ा जबरदस्त ये। सर मैं तो हर सर्दियों में यही पहनता हूँ, मेरी तो आदत है। हर सर्दियों में सर यही एक है, 3 साल से पहन रहा है। चलो शुक्र है मैं पा रहे हैं, सड़कों के इन्ने भी नहीं है, तुम इन्हू पुठी करके पा लेंगे। देखो ना जी, पले टाइम 4-5 साल पहले आराम नाल 60 रुपए की मिलती सी। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब हबकूक रफी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हुई हैं, एक्ट्रेस मिशेल मुमताज। वेलकम टू द शो जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने आपकी तस्वीर देखी है, उसके ऊपर जो मुस्कुराहट है उसके ऊपर मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है। अरे इरशाद, बड़े हंस मुख से लगते हैं पीटीआई के एमपीए, कम अज कम इनके चेहरे पे ये जो मुस्कान है सियासी नहीं है। हाँ। हाँ। मगर ये इनके पहलू में जो मशाल जगमगाए जा रही हैं, यकीनन लम्हा मौजूद में इसका कोई सानी नहीं। हाँ। 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 ये आजकल बल्ब क्यों जग रहे हैं, हर तरफ प्यार के मेले सज रहे हैं, आप एमपीए कम हबकूक भाई, तमिल फिल्मों के विलन ज्यादा लग रहे हैं। क्या हाल चाल है सर आपके? जी बड़ा फजल है अल्लाह ताला का। आप अभी नए नए एमपीए बने इसी साल? जी 7 जुलाई को। जी 7 जुलाई को वो डेट थी जब आप बने, और आई थिंक आपसे पहले जो एमपीए सीट पे थे वो डिस्क्वालीफाई हुए थे या डीनोटिफाई? वो पूरे मुल्क के सामने उन्होंने चवलें मारी थी जी। अच्छा। पैसे लेके तो ओडी सीट पे। हारून साहब की बात कर रहे हैं? दोनों जी, हारून भी और इजाज भी। वो दोनों माइनॉरिटी सीट पे जीते हुए थे और उसके बाद उन्होंने अपना वोट गलत जगह डाल दिया शायद। जी जी, तो उसके बाद वो डीनोटिफाई हुए और फिर आप बने। जी मैम। उसको कैसा लग रहा है वैसे असेंबली के अंदर आके? देखें जी, मैं जिस क्लास से हूँ, लोअर मिडिल क्लास से, एक मजदूर तबके से ताल्लुक, मैं बेसिकली पेंटर था, लैंडस्केप बनाता था, और यही जो आपका मैं पीछे बैठा सेट देख रहा था, ये सेट डिजाइनिंग जब ओपन एयर थिएटर फैसलाबाद में होता था तो मैं तब सेट डिजाइनिंग भी करता रहा हूँ। अच्छा। तो वहां से चलते चलते ये 30 साल का सफर है जी मेरा, 22-23 साल की स्ट्रगल है। 2001 में मैं पहली दफा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना फैसलाबाद में, और वहां से चलते चलते ये शायद पाकिस्तान में, पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो इस तरह के लोगों को जो 3-4 मरले के घर में हों, मजदूरी करते हों, उनको असेंबली तक पहुंचा दें। ये शायद खासा इमरान खान का और पाकिस्तान तरीके इंसाफ। सर वैसे तरीके इंसाफ रंगीन पार्टी है, उनको पेंटर ही चाहिए थे। मगर जो भी हो, मगर आप ये देखिए सही कि उन्होंने एक स्ट्रगल की थी और उसके बाद इनको मिली घर में सीट ना हुई इज इन द असेंबली। सर मेहनती आदमी और सच बोलने वाले है ना, इसलिए बताया कि पहले मैं क्या करता था। इंटरेस्टिंग बात लगी कि आप लैंडस्केप पेंट करते थे। जी मैं लैंडस्केप पेंट। तो कितना अरसा हो गया आपको करते हुए ये? जी मैंने जैसे ही पढ़ना छोड़ा 85 में, तो फैसलाबाद में बड़े मरूफ एक आर्टिस्ट है नसीम आर्टिस्ट, मैं उनके पास जाके काम सीखा, और फिर फराज शायद कैसर पिया के जेन में हो, फैसलाबाद से उस्ताद, उनके साथ मैं सेट डिजाइनिंग करता था जी सर। और मेरी जो एजुकेशन है वो सिविल की है,
तो फिर मैंने एक फैसलाबाद की बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसमें जीएम था सेल्स एंड मार्केटिंग ओके वो मैंने 2008 में जब मुझे टिकट मिली तो फिर मैंने छोड़ के तो अपना बिजनेस शुरू किया। मिशेल जी आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? बहुत दफा देखा हुआ है। अच्छा तो क्या आपने देखा इसके अंदर? सबसे पहले तो मैं सर अच्छा हम लोग देखते होते थे, उसमें सर का नाम था कुकी बचपन में सर, वो गेट नंबर कुछ उस ड्रामे का नाम था मुझे इस तरह से याद नहीं है। तो मेरा कजन उस तरह की बहुत हरकतें करता था फनी फनी, तो हमने उसका नाम ही कुकी रख दिया, तो आज तक उसका निकनेम कुकी है। और वो उसकी वजह इफ्तिखार ठाकुर साहब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उस ड्रामे का नाम लाहौरी गेट था, मोहम्मद कवि खान साहब उसमें थे। आपने हमारा ड्रामा देखा, हमने भी आपका दिल तन्हा तन्हा देखा और बड़े शौक से देखा। लेकिन अब इनका दिल तन्हा तन्हा नहीं रहेगा, मैं मिल गया हूँ दिल बाग बाग हो जाएगा। अरे वाह, तो ये तो चले ठाकुर साहब हो गए। हाँ, और सर इनका भी मुझे पता है कि हर लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं हर शो में। मैं देखती हूँ और मैं कहती हूँ शायद आज छोड़ दें, शायद आज रहने दें, आज रहने दें, लेकिन आप ये बात समझे कि आपको भी चाहने वाले बहुत है, उनका भी दिल टूटता है। लेकिन मानना होगा कि आज पहली दफा आपको किसी ने इस नजरिए से इसके आप ये नहीं देखते कि आप इनके चाहने वाले बहुत हैं, जो कि आपकी इस तरह जो जब बिस्ती हो रही होती है तो बहुत बुरा मनाते हैं। लेकिन ये तो खूबसूरती का मुजस्मा है ना, ये सामने अच्छा। देखिए ना, इनके हुस्न के आगे तो ये रंग भी फीका पड़ रहा है। आपको तो कहना चाहिए था कि ये रंग भी पीला पड़ रहा है, मगर मिशेल क्या उन चाहने वालों में आप भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो उनको मैंने नोटिस किया और ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि फ्लर्ट करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। ओए ये गल तुसी कितने पहले मैं अंदाजा ना, मैं कल ही अपने भतीजियां दी फीस जमा कराई थी कि मैं तुम्हें तोशा खाना तो कड़ी खरीद के गिफ्ट कर देनी थी। नहीं ये बड़ा एक उन्होंने देखे एक बिल्कुल आज जस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उन्होंने दिया है मिशेल ने ये। मिशेल आप कराची से ही ताल्लुक रखती हैं? नहीं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से है, नाउ यू वर्क इन कराची? या आई एम डूइंग वर्क इन कराची राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई कराची में ही रह रही हूं और बहुत अच्छा काम जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और 5 साल हो गए मुझे एक्टिंग करते हुए, सो अभी तक बस कोशिश कर रही हूं। एंड यू आर हैप्पी विद द आउटकम? सर अभी तक के लिहाज से यस आई एम हैप्पी। वेरी गुड सर। सर आई बिलीव कि आप जितना आराम आराम से वो कछुए वाली कहानी सुनी हुई है ना, तो जितना स्लो दिन मैं तो रोज देखता हूँ। कछुआ कह के आप खरगोश की बने वाह। सॉरी प्लीज कंटिन्यू। तो कछुए वाली कहानी का सिलसिला ही है वैसे ही, वैसे ऐसा होता भी है। नहीं नहीं बिल्कुल, ये बीइंग पर्सिस्टेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, बाकी चीजें तो बाद में आती है, पर्सिस्टेंस जो है वो सबसे इंपोर्टेंट होनी चाहिए। और एक चीज नोट कर रहा हूं आपको भाई, आपके और उन्होंने आज बड़े मैचिंग कलर्स पहने हुए हैं, तो क्या आपको पता था कि आज इतने डार्क कलर्स पहन कर आ रही हैं वो भी? अच्छा ये कोई हादसा हो गया, मैंने तो पीछे बात भी को नहीं की कि आप इधर बाद में क्लास ले लेंगे। नहीं नहीं मैंने क्या क्लास लेनी थी आपकी, मगर आपको नहीं इल्म था बिल्कुल? जी बिल्कुल नहीं। और ये हादसा हुआ? बिल्कुल ये हादसा हुआ। और अब जब ये हो गया तो आपको कैसा लग रहा है? इतना हसीन हादसे भी होते हैं जी, उनमें से एक है। अच्छा तो आप दोनों में से हसीन कौन और हादसा कौन है? जी हसीन तो सबके सामने है जी। अच्छा, ऐसे, ऐसे होते रहते हैं आपके साथ? आपको ये शायद मेरा ख्याल है कि जिंदगी में पहला ही होगा, क्योंकि मैं पहली दफा किसी शो में हूँ। भला केड़े हादसे ने बंदा गला नहीं करता, वो हादसे चो मैं बाल बाल बचे हैं। अच्छा मेरे तो इंज की तवक्का को नहीं रखनी मैं, क्योंकि आप फैसलाबाद का, तो माई की झुग्गी के नाल गुलस्तान कलोनी का, तो मैं इन्हें जी जमया पड़ा इन्होंने बाल। चाचा जी मेरे दोस्त हैं नजाकत साहब, शराफत साहब। मैनू पता है जी, मैनू सारा। हां तो मैं तुहानू अच्छी तरह पता। मेरे खौफ दा आलम देख लो कि चंगे भले तीन होंगे सी, एक अज खौफ ना दौड़ गया। सर अज उन्होंने कहा सी कि गंजा एक ही रखना है। समझ आ रही है इनकी बातें? सर मुझे पंजाबी आती है। अच्छा आपको भी आती है, तो आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करिए ना बीच में। सर बोलनी बहुत अच्छी नहीं आती, कर सकती हूँ मैं। सुननी बहुत अच्छी आती है? सुनना सब बहुत अच्छा आता है सर। अच्छा क्या आपको सुनने की आदत है? सुनने की आदत है, मैं सुनती हूँ। आई एम अ गुड लिसनर बाय द वे। यू आर अ गुड लिसनर, जो कि आजकल लोग बहुत कम होते हैं। ओए होए, ये पंजाबी के लिसनर की बात करें कि म्यूजिक के? पंजाबी की नहीं, कब तुम सीखोगे? एक वो बात कर रही है, एक और लेवल पे बात हो रही है कि बीइंग अ गुड लिसनर और नहीं होते आजकल, बीच में तुम म्यूजिक डाल दो भाई। सब म्यूजिक का लेवल नहीं है
और म्यूजिकल लेवल गुफ्तगू भी तो देखो ना, कनेक्टेड हो आपस में कोई। बात करी थी मैं कि गुड लिसनर लोग आजकल बहुत कम होते हैं, आपने प्रूव कर दिया। बीच में सर सामने आपके। बिल्कुल सैंपल सामने हमारे। सीखो बेटे म्यूजिक नहीं, ये भी सीखो जी, कंटिन्यू। वो देखिए अबकूब साहब कितने गौर से सुन रहे हैं। वैसे अबकूब साहब आप हमेशा ही इतने गौर से सुनते हैं या सिर्फ वो बोल रही है इसलिए सुन रहे हैं? नहीं जी, ज़हन बढ़ा गया है कि इसे सुननी ही पैनी है। हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है, खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है, हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे मुशक्कत तूने करवाई बहुत है, हाय हाय आ। वेलकम बैक जी। मुझे तो आपने कहा कि प्यारे लग रहे हैं या आपके चाहने वाले, ये तो अलग, मैं इन बातों को सीरियस लेता नहीं। सर मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैं सीरियस थी। अच्छा जी, लेकिन आपका भी कोई आइडियल होगा जिंदगी में? हाय ये क्वेश्चन आप सबसे पूछते हैं। लेकिन उस सब मुझे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। आज एक्सेप्ट होगा इंशाल्लाह, अंगूठे लगनगे। तीन बारी तुसी कह के जाना है बंदा फजूल है फजूल है फजूल है। तो वैसे आइडियल कोई आपका भी तो होगा ना, कितनी प्यारी है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। मुझे ना इंसान जो है आप जैसा चाहिए, दिल का, मासूम, अच्छा, सच्चे दिल वाला। दिल का आप जैसा, दिल का आप जैसा। जो अपने आप ही शर्मिंदा हो जा रहे, पता नहीं किन्नू कह दो। यकीन नहीं आ रहा कि हो रही है ऐसा। और सर जो मेरी चॉइस है हर इंसान की अपनी अपनी होती है, मुझे जो लड़के अच्छे लगते हैं हाइट हो, हाइजीन हो और अपने आप को फिट रखते हो। हाइट हो, हाइजीन हो और अपने आप को फिट रखते हो। क्या ऐसा कुछ कह रही थी सर? नहीं मतलब जिम भी करते हो ना? जिम भी करते हो, बॉडी हो अपना ख्याल, बॉडी भी हो, सिर्फ हाइट नहीं, अपने आप से प्यार होना चाहिए। आपकी कह रही अपने आप से प्यार होना चाहिए सर, जो अपना ख्याल रखते हैं, जो फिट रहता होगा इंसान, वो अपने आप से प्यार होगा। इसकी देखे मिशेल एक फ्लिप साइड भी होती है कि अपने आप से प्यार के अंदर हो सकता है वो अपने आप को ऐसे ही पसंद करते हो कि हम हर वक्त खाते रहें, हम कोई एक्सरसाइज ना करें, हम लेजी बैठे रहें। मैं चॉइस बता रही हूं ना, उस तरह के भी लोग होंगे, उस तरह के लोगों को ये ना कहना कि अपने आप से प्यार हो। लो जी, अगर मुझे चाहिए उस चीज से उनको प्यार हो, अगर सच्चा प्यार अगर मुझे हुआ तो 15 दिन में बाद एक एपिसोड आप ये देखेंगे उसमें मैं स्मार्ट मिलेगा। अच्छा, अगर मैं गुड लुकिंग स्मार्ट हो जाऊं तो फिर तो जिंदगी बन जाएगी ना मेरी। सिर्फ आपको देखने, बस 15 दिन के बाद अपने मुझे देखना है, ठीक है? आप सिंगल है अभी तक? अभी तक सिंगल हूँ मैं, तो क्रिकेट भी सिंगल भी नहीं खेलता हूँ। पूछने आ रही थी कि कोई आपकी लाइफ में है नहीं? दरअसल वो मकान किराए का है, गाड़ी रेंट की है। सर मैंने आपके इंस्टाग्राम पे वो किराए का मकान वाला मैंने शेयर सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इनका इंस्टाग्राम भी देख चुकी हुई हैं? सर मोहब्बत चेक कर रहे हैं? अभी तक तो मैं वैसे ही, मैंने कहा शायद आप कर्टसी में या वैसे ही आपने कहा कि वो हैं, मगर अगर आप इनका इंस्टाग्राम देखती है ना तो फिर अब आपको मैंने को डॉक्टर तजवीज किया। मसला इनमें नहीं है, मसला मुझे आप में नजर आना शुरू हो गया। बिल्कुल, मैं अब खुद सरप्राइज हो गया हूँ कि वो आप इंस्टाग्राम इनका देख रही हैं। सर वो तो अच्छे इंसान है, क्यों नहीं देखा? आपने इनकी कोई अदाकारी और देखी हुई है? नहीं, मैंने इस शो में देखा हुआ है और इनका इंस्टाग्राम। तो आपने इनको गूगल नहीं किया, इनका कोई और काम भी आप देखती हैं? तो सादगी तो देखो। नहीं सर, कह रही है अच्छे, तो कह रहे नाल कह रही है अच्छे इंसान ने, इंसान भी कही जा रही है। सादगी देखो फवाद खान साहब मेरी गल सुनो। मगर नहीं सर, वैसे आप पोर्ट्रेट्स वगैरह भी करते हैं? नहीं सर, सिर्फ लैंडस्केप। कभी ट्राई किया आपने पोर्ट्रेट? नहीं मैंने किया। स्केचिंग भी नहीं, पेंसिल से कर लेते हैं? तो अगर आपको कोई कहा जाए कि किसी का आप स्केच बनाएं तो किस चेहरे का बनाना चाहेंगे आप? मैं आपको एक वाक्य सुना देता हूँ। 88 का इलेक्शन था और चौधरी नजीर कोस्तान वाले बड़े मारूफ हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो उस वक्त मुल्क के प्रेसिडेंट थे जियाउल हक साहब, वजीर आजम के लिए जो कैंडिडेट थे उस वक्त थे जुनेजो जी। तो वो जिया और जुनेजो की तस्वीरें बनानी थी, तो मैं क्योंकि प्रोफेशनली पेंटर था, मैं खुद तो नहीं बनाता था, मेरी वो वर्कशॉप थी, तो वो मेरे पास वो कॉन्टैक्ट था उस सिलेक्शन का। अच्छा, तो मेरे उस्ताद नसीम साहब और आर्टिस्ट बना रहे थे, तो चौधरी नदीर साहब बार बार आ रहे थे जियाउल हक की तस्वीर को देख रहे, जरा बड़ी सोहनी जी बनाना है नसीम साहब, तस्वीर बहुत सोहनी होनी चाहिए बार बार। और नसीम साहब ने एक बार वेख्या, दो बार वेख्या, तीजी बार फिर अपने दफ्तरों उठ के आया कि नसीम साहब जियाउल हक वाली तस्वीर, कहते हूँ मैं जगह दिलीप कुमार बना दें। जिस तरह की वेरी वैलिड पॉइंट उनका।
मैं फिर इस बाद जितो भाई कर ली कि लैंडस्केप ही ठीक है, कोई दो पत्ते हैं हो जाएंगे एक दरख्त बंद बन जाओ। पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट रहा है कभी? सर नहीं, थोड़ी सी इमरान खान से उम्मीद थी। अच्छा, लेकिन वो भी क्यों खत्म हो गई? सर मुझे ऐसा लगता है कोई भी आए कुछ भी करे, हमें तो हर हाल में सर्वाइव करना ही करना है। जो हमारे मुल्क के हालात है नहीं बेहतर हो सकते सर, इससे ज्यादा मुश्किल ही होंगे। मगर क्यों, ऐसा क्यों होगा? सर मैंने तो जब से होश संभाला है ना, मैंने तो अपने अम्मा बाबा को बस परेशानी देखे मुल्क के हालात की वजह से। मुल्क के हालात खराब होते हैं आपकी फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है डेफिनेटली। तो सर मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह करे हो जाए अच्छा, बट नहीं शादी तो बात उसी शादीशुदा लोग जी मैंने नहीं इस गल का। हर मियां बीवी की शादी लड़ाई क्यों होती? मतलब जितने टीवी भी देख लो लड़ाई झगड़ा, एक हुसन शादी का की है मैं दस दौ, तो क्योंकि बताएंगे मैं गल करनी है तो कैसर पसंद नहीं आनी। तीस साल हो गए, कसम लै लो मेरी तो अच्छी अपनी बुढ़ी ने लड़ाई नहीं जी हुई। अच्छा जी अगो चुप तुम बाकी जी। मैं एक मौका भी है, सवाल भी चौर साहब ने किया मिशेल नू, उन्हें जवाब भी दिता मायूसी का। मेरा सिर्फ नौजवानों में भी नौजवान है तो बाकी ने यही मैसेज है कि असं क्यों उम्मीद रखने हैं कि फलाना है कर देगा तो मुल्क बदल जाएगा फलाना, असं खुद कोशिश क्यों नहीं करते? नौजवान असल खुद अगे आना चाहिए और नौजवान असल को पता होना चाहिए कि जी सियासत से पॉलिटिक्स से कोई बुरी चीज़ नहीं, ये खुद अगे आन तो खुद मुल्क तब्दील करने की कोशिश कर। इस चक्कर ना बैठे रहने कि वह कर देगा वह कर देगा, आप अगे आके तो हिस्सा बन और जरूर मुल्क एक ना एक दिन तब्दील होगा। कुछ को मौका मिलता है जिस तरह मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरी कम्युनिटी में मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास से मेरे साथ कई दोस्तों ने सियासत शुरू की थी, लेकिन किसी किसी को मौका मिलता है। पॉलिटिक्स को बुरा ना समझे, सबसे पहले तो अपना हिस्सा डालें, वोट हर सूरत डालें, किसी पार्टी को डालें किसी लीडर को डालें, लेकिन हर सूरत अपनी राय जरूर दें और जो समझते हैं कि यहाँ की सियासत गंदी है वो खुद उसमें आके उस गंद को खत्म करें, और जो अपने आप को अच्छा समझते हैं खुद अच्छे तरीके से आके पॉलिटिक्स। मुझे ऐसा लगा कि भी 11 करोड़ एमएनए हो 11 करोड़ एमपी हो तो मसला हो गई कोई। वैसे आपको है कोई फिल्मों वगैरह में काम करने का भी शौक? सर जी एक्टिंग मुझे शुरू से ही शौक है। तो एक्टर कौन सा पसंद है आप? आपको मैं सिर्फ इतना कहता चलूं कि प्लीज उतनी तारीफ करें कि जितनी ये बर्दाश्त कर सके। आजकल हमारे पास बीच में एक बंदा पहले ही नहीं है, कहीं ये आपके जाने के बाद बेहोश हो हुआ गए तो मैं अगला शो कैसे करूंगा? इन्हें ना वे क्यों कहेंगे कि आखिरी तारीफ जानलेवा साबित हुई। मगर इनके अलावा कोई और आपको एक्ट्रेस पसंद हो जिनके साथ आप करना चाहेंगे? सर मुझे सबा कमर बहुत अच्छी लगती है, उनके साथ मैं काम करना चाहूंगी। और लड़कों में फवाद खान। फवाद खान वाह। और कोई फवाद खान और सबा कमर के साथ हो प्रोजेक्ट, दोनों ही हो उसके अंदर। वाह सर ईद हो जाएगी मेरी उसी दिन। ओए होए उसी दिन ईद हो जाएगी, बीच में मैं होना टरू भी हो जाएगा। फवाद खान और कैसर भाई हीरोज हो दोनों, आप किसके साथ? ओए लव ट्रायंगल जिसमें फवाद खान और कैसर पिए हैं। इतने मेरा नाना लेना मेनू पता है। मैंने पता है कि ईद करू के बाद मरू होने लगा। अपने महबूब लीडर नूं मिल के आवां। अच्छा। जिन्हां ने मैनूं भर्ती कराया सी, जिन्हां ने मेरी जिंदगी तब्दील कीती सी, चाहीदा सी उन्हां नूं मिलना। ओ टिकट मेरे को एक पुरानी पई सी यूके की, ओ फिर मैं दो किते भेजी उन्हां नूं। मैं आ रहा गया पी करके लत्थां हीथरो ते। अच्छा मुबारक होवे। क्या कोई भी नहीं लैन आया। अच्छा। भी मेरे एक बेस्ट फ्रेंड सी ओथे टैक्सी चलाउंदा सी, उहनूं कॉल कीती मैं। ओके पहुंचिया फिर मैं हेवन फील्ड। ओके ओथे दुनिया ही दुनिया। ठीक है मेला लगा होया। हां ढोल बज रहा है। मैं क्या महबूब लीडर है जिहदे घर दे के 24 घंटे ढोल बजदे ने। हां मारिए बैल। किसी ने नहीं बुआ खोलिया। फिर मारिए। हाँ। फिर मैं छेक के तरह मारिए। हाँ। हल्का जहा धुआं लग गया, मैंने पता लग गया सड़ गई। अच्छा।
तुमने एवन फील्ड की बैली साड़ दी। तो यार कोई बुआ नहीं सी खोल रहा। ओके। बनना पिया फिर थोड़े बिरा नु स्पाइडरमैन। अच्छा। काम ते ही करके मचड़े हम मारिए छाल विंडो ते गया। हाँ। विंडो ते शेर ते मारिए को दो सरिये पड़े ने। मारिए फिर मैं छत दे उत्ते छाल। ठीक है। पौड़ियां तो तले गया। हाँ। बाहर दुनिया ही दुनिया। हाँ। ते अंदर कोई भी नहीं। क्या मतलब? ओ मैं सारा ही नला गा रहे ही करके वेखदा वेखदा अचानक मैं गया किचन दी पिछली साइड तो एक बंदे ने ए आइन करके सिर कटे। हाँ। मैं दौन तो फड़ के छिक ले। हाँ। मैं इधर आवे ना वे बादशाह सलामत किथे गए ने? हाँ। कहंदे ने ओ ते सारे यूरोप दे दौरे ते गए ने। ओ ओ मैं के डॉक्टर ने इजाजत दे दित्ती है। हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਯੂਰਪ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਤਕਬਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਹਾਨਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਲਿਹਾਨਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਅੱਛਾ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਰੌਣਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਖਾਣਾ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਬਈ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਬਾਲ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਿਰਫ 4 ਲੋਕ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਔਰ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਸਰ ਐਸੇ ਲੋਇਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਰਜਾਈ ਦੇ ਅੱਧਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਨਾ ਬਰਜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿ ਬਰਜਾਈ ਲੰਗਰ ਕਿਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਗੌਰ ਸੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਵੀ ਗੌਰ ਸੇ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮਸ਼ਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਸ਼ੈਲ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੋਹਸਨ ਅਬਾਸ ਹੈਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੋਹਸਨ ਵੀ ਆਖਰੀ ਫਨਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਨ ਸੇ ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਫੋਲੋਵਰ ਆਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਡਾ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਡਾਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਏਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਕੂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ वेलकम बैक जी आवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम उमर बेग है मेरा आपसे क्वेश्चन है जिसे इमरान खान साहब ने पीटीए की पार्टी को तैयार किया उसके बाद उन्होंने इतनी स्ट्रगल की और अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आप पीटीए को कहाँ पे देख रहे हैं मेरा ख्याल है इस वक्त ये सवाल बनता नहीं है इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा कोई लीडर है ही नहीं
इससे आगे और क्या पीक आनी है पीटीआई पे? मोहब्बत। तो इस वक्त तो आप जाएं तो 90% वोटर जाए, जो आप पिछले रिजल्ट देख लें, जो 8-10 इलेक्शन हुए हैं, 90% वोटर जो है वो इमरान खान के साथ है, इससे आगे और क्या पीक चाहिए? बोझ जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा सवाल आपसे है, जो आपने अंतुल हया ड्रामा किया उसमें आपका करेक्टर बहुत बोल्ड और जोली है, तो क्या आप रियल लाइफ में भी इसी तरह हैं? नहीं, वैसे रियल लाइफ में मैं थोड़ी सी खामोश हूँ, कम बोलती हूँ, और इतने दोस्त नहीं है मेरी लाइफ में, मतलब एक दो ही है, वो भी बचपन के, दैट्स इट, मतलब कम गूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्यों है, आपके क्यों दोस्त नहीं है? आज बढ़ गए हैं ना, आज तो दोस्तियों के अंबार लग गए हैं सर। आपके अलावा सर, मेरा ये मानना है कि आपकी लाइफ में जितने कम लोग होंगे ना, उतना आपकी लाइफ में सुकून है, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा फसाद, आप मैनेज नहीं कर सकते। आपने ट्राई करके देखा है ये? सर मैंने किया बीच में। अच्छा। एक्सपेरिमेंट मैंने किया है थोड़ा लाइफ में ना, आपको करनी चाहिए चीजें, तभी आप सीखते हो। तो सर वो आपके जो नए दोस्त बनते हैं ना, वो बस थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं, वो आपके ना फायदे में होते हैं ना नुकसान में होते हैं, ना अच्छे में ना बुरे में। होम्योपैथिक होते हैं। Exactly. तो सर उनका कोई फायदा नहीं है। Okay. तो इसलिए मुझे जो समझ में आई है कि दोस्त आपके वही हैं जो बचपन के दोस्त हैं, जो बड़े होके लोग आते हैं ना, वो बस आपको कुछ सिखाने के लिए लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं। और मेरी बदकिस्मती देखिए, मेरे जितने पुराने दोस्त थे अब वो है ही नहीं। अकरम दास साहब की गल कर रहे थे। जी सर। जी मैम, मेरा आपसे सवाल है, आपने इतवार ड्रामा किया मैम से आपसे सवाल वाले ना हांडी तो इतनी दूर बिठाते ने कि हाथ ना पै जाए इस मुंडे दा। पूछिए मैम, आपने इतवार ड्रामा किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके पहले एपिसोड से ही हमें पता चल गया, हमें इतवार आ गया कि अच्छा काम है, आप हमें यकीन दिलाने के लिए ये आगे भी अच्छा काम करती रहीं, या खुद को इतवार नहीं था इसलिए खुद को इतबार दिलाने के लिए आगे काम करते रहे? माशाल्लाह आपने को 150 दफा इतबार बोला है। मुझे समझ नहीं आया कि ये आप एक एप्रिसिएशन क्वेश्चन था या क्वेश्चन था। ड्रामा का नाम था इतबार, डेफिनेटली एक्टिंग है ये कि आप झूठ को सच दिखा रहे हो, तो आपको मुझ पे इतबार आया ना मेरा ड्रामा देखने के बाद, तो मतलब मैं अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूं। ये जो मुंडे ब्याह ते इस करके जांदे कि दूल्हा इनकार करे तो मैं कहूं मैं इज्जत रखांगा। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज मोहम्मद बिलाल, और मेरा क्वेश्चन आपसे है, इमरान खान साहब के बाद अगर कोई आपकी नज़र में ऐसा पॉलिटिशियन है जो इतना बड़ा लीडर हो सकता है पीटीआई में? पीटीआई है इमरान खान, और अल्लाह ताला लंबी उम्र करे इमरान खान की, अभी मेरे से इमरान खान शायद 20 साल बड़े हैं, और अभी भी आप यकीन जाने जब हमें उनके साथ चलना पड़ता वो आगे, तो हमें भाग के चलना पड़ता उनके साथ, जब उनको ज्वाइन करना पड़ता तो भाग के करना पड़ता है, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, और हम तो कुछ सोच भी नहीं सकते इमरान खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में या मुल्क की क्यादत में। जी हमारा सेगमेंट है 2020 का, जिसके मैं सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उन्हीं ऑप्शंस में से अपना जवाब चूज करना है, कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप में से कौन खेलेगा? जैसे आपको आओ हातिम भाई साहब, मैं अग्री, कुक साहब आप पहले आ गए, मैं अग्री। कुक साहब ये बताइए फिर, किसी एक की बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है, कौन होगा वो जिसकी बायोग्राफी आप पढ़ना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान। देखो तीजा ऑप्शन देते हो? नहीं नहीं यही दो हैं। जहांगीर तरीन साहब, ठीक है सर। ये बताइए आप चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक, तो किसको आप चांद पर छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फियाजुल हसन चौहान और अली अमीन गंडापुर। फैजुल हसन चौहान जी मेरे कुलीग है, मेरे साथ फैमिली में, अली अमीन गंडापुर को छोड़ूंगा। अली अमीन गंडापुर को छोड़ देंगे वहां पे। ठीक है, सही बात है बिल्कुल। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, तीन लोग मौजूद थे, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं असद उमर, परवेज खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? असद उमर के साथ जी। मुस्कुरा के किसको देखेंगे? शाह महमूद कुरैशी। और किसका फ्लोर आ गया हुआ है? परवेज खटक का जी। ठीक है, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास आपके पास हैं, एक अपना दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज बट और शहरी रहमान साहिबा। मैं जी शहरी रहमान को, क्योंकि इंटेलेक्चुअल है, शहरी रहमान को लेके जाऊं। शहरी रहमान साहिबा होंगी वो। ठीक है सर, ये बताएं डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फरदोस आशिक अवान
और रुखमा मरियम। दूसरी ऑप्शन नहीं है जी, माशाल्लाह इन्हीं को लेकर जाऊंगा। डॉक्टर फिरोज आशिक खान रह गई हैं। कर ली तुसी सियासत कर ली। जी मिशेल जी, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। दोनों का नहीं पता। आपको इन दोनों का आइडिया नहीं है? नहीं सर। कि ये कौन है? नहीं। अच्छा चले मैं चेंज कर देता हूँ लोग। किसको कॉल करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद अहमद और जनाब मौलाना फजल रहमान। शेख रशीद को कर लूंगी। शेख रशीद साहब को कर लेंगे। उनका तो पता है ना। मैं क्या, शेख साहब का आइडिया है आपको? सर आइडिया नहीं है, लेकिन ना मुझे लगता है कि वो थोड़ा अच्छा टाइम पास करा देंगे। अच्छा ठीक है, इस तरह आपने अंदाजा लगाया। ठीक है, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अली सफीना, अली अंसारी और आरेज अहमद। तो सेल्फी किसके साथ है? अली सफीना के साथ सेल्फी। स्माइल किनको दे रही हैं? अली अंसारी को बाहर निकाल दूंगी। अच्छा फ्लोर आ गया उनका। आरेज के साथ तस्वीर है और अली सफीना को स्माइल दे रही है। ठीक है, अली अंसारी चले गए हैं बाहर। ये बताइए चांद पे आप भी जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक, तो किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं मरियम अंसारी और सना जावेद। सना जावेद। सना जावेद को चांद पे छोड़ देंगे। टाइटैनिक फिल्म देखी हुई आपने? जी। टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो VIP पास आपके पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब चौधरी परवेज इलाही। आपको आइडिया ये दोनों कौन है? दोनों का नहीं आइडिया सर, नहीं पता, आप मेरे इस फील्ड के लिहाज से पूछे ना। नहीं मगर ये लोग तो हमारी फील्ड में भी आए होते हैं। आपको कहीं पे ये नजर नहीं आता सोशल मीडिया पे? न्यूज नहीं देखती। न्यूज आप नहीं देखती, मगर वैसे ये तो कहीं ना कहीं से पॉलिटिशियंस तो सबकी फीड्स में आ जाते हैं, वो नजर आना शुरू हो जाता है। बाय फेस जानती होंगी, लेकिन बाय फेस जानती होंगी। चले मैं नाम चेंज कर देता हूँ कोई। इनमें से किसको आप टाइटैनिक पर लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी और जनाब ख्वाजा आसिफ। इनका पता है? इनका भी नहीं पता। तो अभी आप जाएंगी वापस कराची फ्लाइट पे, तो आपने एयरपोर्ट पे देखना है कि तस्वीरें लगी होंगी तीन। Okay. आप जैसे एंटर करेंगी लाउंज के अंदर तो तीन तस्वीरें लगी होंगी, एक कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की है, उनके साथ एक तस्वीर होगी, आपको प्राइम मिनिस्टर पता है ना हमारा कौन है? जी, जी, जी। कौन है? शहबाज शरीफ। हाँ ठीक है, एक शहबाज शरीफ साहब की होगी और उनके साथ एक तीसरी तस्वीर लगी होगी एक साहब की। Okay. वो है आरिफ अलवी साहब और वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आपने शक्ल याद से उनकी रजिस्टर कर लेनी है कि ये है, मगर हम चेंज करते हैं, छोड़े इन लोगों को। किसको लेके जाएंगी टाइटैनिक पे अपने साथ आप? ऑप्शन आपके पास जो है वो है हुमायूं सईद और हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी होंगे वो। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है, किसको दे रही हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया, फवाद खान और हबकूक सर। पता भी है तानु। नहीं कंपटीशन है, उन्होंने भी देखो एहसान किया हुआ है। उन्होंने की किया है, एक मेरी अपनी है और एक किसी और को मैंने देनी है। यार मैं तो नहीं काला सूट पाया ना, कैसर पिया को दूंगी। मतलब के आपने कैसर पिया के पीछे एक सिटिंग एमपी और मौला जट दोनों डबो दिए। सर असि अपनी नूरी दंत बना रहे हैं, छोड़ो सर, उनको तो अभी मैं जानती नहीं हूँ ना इतना, इनसे तो आज मिल भी लिया, इनको तो इतना देखा। मगर फवाद खान को तो आप जानती हैं सर, टीवी में जानती हूँ। तो ये जो आपके साथ बैठे इनको आपने कौन सा वैसे देखा है, लाइव आप देख रही हैं? ओके ठीक है, समझ गए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका मिशेल बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।